हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनू दोस्तों मैंने जोजी नाम का मलयालम फिल्म देखा है अमेजॉन प्राइम पर यार सबसे पहली बात बता दूं अगर आपने शेक्सपियर्स मैकैथ रीड किया है तो आपको ये फिल्म बेहतरीन लगेगा आप कहोगे यार बेहतरीन स्टोरी टेलिंग एप्सल्यूटली एंगेजिंग स्क्रीन प्ले राइटिंग एंड ब्लडी ब्रिलियंट एक्टिंग पीरियड नो क्वेश्चन सास्ट ऐसे आप कहोगे अगर आपने मैकबैथ रीड किया है तो लेकिन अगर आपने मकबैथ रीड नहीं किया है मकबैद से आप अवगत नहीं हो परिचित नहीं हो तो आपको ये फिल्म स्लो लगेगा बोरिंग लगेगा डिप्रेसिंग लगेगा और ऐसा लगेगा कि स्क्रीन प्ले इज़ मूविंग एट अ स्नेल स्पेस इफ यू हैव इन टेड मैकबैथ दैट इज द फीलिंग दैट यू विल गेट और सच बात बताओ तो दोस्तों ये महेश प्रदिगारम जैसा फिल्म नहीं है महेश प्रदिगारम को भी दिलेश ने ही डायरेक्ट किया था जो इस फिल्म के डायरेक्टर है ये एक कमर्शियल मास मसाला एंटरटेनर नहीं है जिसमें सॉन्ग एंड डांस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो वो थ्रिल और फ्रिल आपको जोजी फिल्म ने नहीं मिलेगा जो आपको शायद महेश प्रदिगार में मिला था लेकिन अगर आपको मकपैथ का एक डिफरेंट अडेप्टेसन देखना है एक मलयाली फैमिली में एक मलयाली सेटअप में तो आप जरूर देखिए जोजी बिकॉज इट विल एब्सिल्यूटली डिलाइट यू यार फिल्म का जो ओपनिंग शॉट है जिसको एस्टैब्लिशिंग शॉट कहते हैं वो एक एरियल बर्ड्स आई व्यू वाला शॉट है इट शोज द लश ग्रीन लैंडस्केप ऑफ केरला द लश ग्रीन प्लानेशन ऑफ केरला एंड इट एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट दिस इज एन एब्सोल्यूट सीरीन एंड पीसफुल लैंड वेर देर इज कंप्लीट ट्रांक्विलिटी एंड इन दिस सीरीन लैंडस्केप लिव्स अ फैमिली अ मलयाली फैमिली वेर अ शेक्सपियर एंड ट्रेजडी इज जस्ट अबाउट टू अनफोल्ड इन दिस फैमिली यू विल गेट टू सी किंग डांकन यू विल गेट टू सी मैकपैथ यू विल गेट टू सी लेडी मैकपैथ एंड ऑल्सो यू विल गेट टू सी बैंको द प्राइमरी कैरेक्टर्स फ्राम शेक्सपियर्स प्ले मैकपैथ अब ये कैरेक्टर्स जिस तरह से बिहेव करता है जिस तरह से इंट्रैक्ट करता है जो डायनमिक्स चलता है फैमिली के भीतर एक बार इनऑर्डिनेट एम्बिशन या ग्रीड की वजह से जैसे ही शेक्सपियरन ट्रेजिडी अनफोल्ड होता है ये फैमिली में उसके बाद खेल ही कुछ और है यार खेल ही कुछ और होता है और फिर मैकपैथ टेक्स चार्ज एंड वंस मैकपैथ टेक्स चार्ज वंस द ट्रेजडी अनफोल्ड्स इन द फैमिली द नेक्स्ट थिंग दैट यू गेट टू सी इज जस्ट लाइक द प्ले मैकपैथ इट इज़ द फीलिंग ऑफ गिल्ट दैट टेक्स ओवर एंड वंस गिल्ट टेक्स ओवर इट इज़ नाइट मेयर्स दैट अनफोल्ड इट सेल्फ इन टू दिस फैमिली एंड वंस नाइट मेयर्स कम इन टू द पिक्चर वॉट हैपन्स नेक्स्ट इज More and more tragic scenes, more and more tragic scenes follow, and then when the climax appears, though those, the climax is brilliantly written and brilliantly shot, because the climax is what I would call. कर्मा इज़ अ बिच काइंड ऑफ अ क्लाइमैक्स सुपर एब्सल्यूटली सुपर नो क्वेश्चन सांस दोस्तों ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले राइटिंग अ ब्रिलियंट अडेप्टेशन ऑफ मैकपैथ दैट इज वॉट हैज़ बिन डन इन दिस फिल्म जो जी यार मैं मैकैथ के कैरेक्टर्स को एक एक करके बताया मैं आपको पिन पॉइंट नहीं करके बताऊँगा कौन कौन है इसमें बस आप देखना हो सबसे बेस्ट तो मेरे को लेडी मैकपैथ का किरदार लगा हुर प्लेज लेडी मैकपैथ इन 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 दिस पर्टिकुलर फिल्म बिकॉज अनलाइक

यू नो सनी हु प्लेज द फैमिली इज मुखिया ही सीटेड ऑन अ चेयर और उनके पीछे फहद फासिल खड़ा है फहद इज़ डूइंग समथिंग वेरी सिनिस्टर आपको वो सीन देख के आपको डर लगेगा बिकॉज दैट सीन इज लिटिल कैरी बिकॉज इट इज़ ट्विस्टेड एंड डिवियंट इन नेचर बट आप कैमरा पोजिशन देखना जिस तरह से कैमरा शूट किया है दोनों को सेम फ्रेम में वाट एवर फहद इज़ डूइंग यू विल गेट द फीलिंग दैट यू आर डूइंग इट एंड यू कुड बी कॉट एट एनी मोमेंट बाई एनी वन दूसरा एक सीन है जो मिरर का एक शॉट है यार इट इज डिजाइन टू स्केयर यू फॉर अ माइक्रो सेकंड फहद गेट कैड यू ऑल्सो गेट्सैड अलॉन्ग विद दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ दिलिशियस डायरेक्शन इन द सुपर एब्सिल्यूटली ब्रिलियंट दोस्तों और एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ यार फहद फासिल तो एक्टिंग का मास्टर क्लास लेता है यार हर फिल्म में एंड द सेम इज ट्रू इवन इन दिस फिल्म एज वेल यार एक सीन है जिसमें हि स्लीपिंग हिज फास्ट स्लीप इज इन डीप यार नींद में भी दिखाया फहद ने कि एक्टिंग कैसे किया जाता है नींद से ही स्टार्टल्ड एंड अलॉन्ग विद्सो स्टार्टल्ड बिकॉज दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ दिस मैन दी एक्ट इवन इन स्लीपिंग पोजिशन इट इज सो वंडरफुल टू सी और बाकी के सीन्स जस्ट किल्ड इट चाहे वो थोड़ा साइकोटिक जैसा सीन्स हो या थोड़ा डिप्रेसिंग सीन्स हो या फिर वो नर्वस सीन्स हो या फिर वो कॉन्फिडेंट सीन्स हो या फिर वो विनस सीन्स हो फहद इज़ एट इज़ वेरी बेस्ट एट इज़ वेरी बेस्ट इन दिस फिल्म पीरियड नो क्वेश्चन सास्ट आई मीन अगर आप फाफा के फैन हैं फहद फासिल के फैन हैं तो यार यू विल इंडीड से दिस इज़ वन ऑफ फ़हद फासिल्स बेस्ट एवर परफॉर्मेंसेस उसके बाद बाबू राज इज़ ब्रिलियंट ही इज़ ब्रिलियंट स्पेशली इन दो सीन्स वेर इज प्लेइंग अ ड्रंकर्ड इज़ ड्रंक ओ <laughs> dead drunk but what acting that is acting again at its very best he is just brilliant baburaj unni maya prasad dosto unni maya prasad is silent for the major part of the film but her silence speaks volumes and she is really really good उसके बाद सनी हु प्ले इज द फैमिली इज मुखिया यार क्या बॉडी है उनका यार ही इज इंटिमिडेटिंग वेरी इंटिमिडेटिंग बट आल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव वेरी इफेक्टिव दोस्तों एक दो नाइटमेयर वाला सीक्वेंसेस मेरे को सुपर लगा और क्या बताओ इस फिल्म के बारे में यार लेट मी लेट मी फिनिश इट बाय बाय सेंग समथिंग दैट आई सेट राइट एट द बिगनिंग ऑफ दिस रिव्यू इफ यू आर अ मैकपैथ फैन यू विल लव दिस फिल्म इफ़ यू आर नॉट आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग four out आउट ऑफ and एंड फॉर acting एक्टिंग out आउट ऑफ फाइव यू आर फाफा यू आर द बेस्ट नो क्वेश्चन चलिए दोस्तों ये है मेरा रेटिंग ये है मेरा रिव्यू ऑफ दिस फिल्म Joji. अगर आप लोग देखोगे जोजी जो Amazon Prime पर है मलयालम ऑडियो है इंग्लिश subtitles है तो मुझे ज़रूर बताना आपको Joji कैसे लगा और एज far as adaptation गोस कि आपको लगता है कि ये एक अच्छा adaptation हुआ है मकबैथ का ये भी लिखकर बताना चलिए दोस्तों that's it फ्रॉम me फॉर द मोमेंट Tata.